आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं आपको, वो शुरू होती है रास्ते पर, लेकिन पहुंच जाती है एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में। उसी रेस्टोरेंट में हम जाकर पूछने वाले हैं कि खाने में क्या है। ये कहानी है राजूज मालवनी कॉर्नर की, जिसके बाहर मैं अभी खड़ा हूं। 35 साल पहले राजू के माँ ने यही ये स्टॉल खोला था। असल घरगुती यानी घर का बनाया हुआ मालवनी खाना यहाँ मिलता है। चलो मिलते हैं राजू से, थोड़ी बातें करते हैं और इसके बाद उसका एयर कंडीशन रेस्टोरेंट भी देखते हैं। चलिए। सामने है एक जबरदस्त मालवनी फूड की थाली और मेरे साथ में है राजू यानी नरेंद्र सावंत। राजू, कि ये जो स्टॉल है आपका, वो 35 साल पुराना स्टॉल है, किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, क्या कहानी है उसके पीछे? मेरा माँ का खाना अच्छा बनाते है, तो हमारा पिताजी का थोड़ा शॉप था, वो भी बंद हो गया मिल के वजह से। तो हम लोग, फिर माँ ने बोला अपन इधर स्टॉल चालू करेंगे रोड पे, ऐसा ऐसा थोड़ा खाना। तो तभी से हम लोग 11 फरवरी 1986 तक से चालू किया 1986 से, और फिर मेरे माँ ये सब बनाती थी। मैं जब थोड़ा जवान था, मैं आता था यहाँ और मैं आपके माँ को देखता था, घर से पूरा हंडी लेके यहाँ स्टॉल पे लगाती थी। आप भी थे, आप भी यंग थे तब, अब थोड़ी उम्र हो गई। अब आप भी लगाते थे स्टॉल पे खाना, और मैं भी यहाँ से मंगाकर बहुत बहुत ही टेस्टी खाना है आपका। खाने के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं थोड़े खाता हूँ। तो ये है फ्राइड प्रॉन्स यानी झींगा, या जैसे मराठी में कोलंबी कहते हैं। तो ये क्या क्या है अपने पास आज? सुखा चिकन है, मटन है, और एक खीमा है मटन का। अरे खीमा और वड़ा, वड़ा के साथ। मैंने शुरुआत किया खाने को क्योंकि ये खाना सामने है, ठंडा हो रहा है और मुंह में बहुत पानी आ रहा है। लेकिन राजू, हाँ, मैं खाता हूँ, खीमा बहुत अच्छा है। तो ये कब सोचा कि अभी बहुत रास्ते पर स्टॉल बहुत हो गया, बहुत ही ज़्यादा रास्ते पर आपने रखा है अभी स्टॉल, लेकिन एक स्टेप आगे भी लेना चाहिए, ये कैसे सोचा, कैसे हुआ सब, फाइनेंस किधर से आया, क्या किया? मैं ऐसा सोचा कि अभी मैं रास्ते पे कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे जाने का, तो होटल अपना देख रहा था, थोड़ा किचन को जगह देख रहा था, तो उसमें मुझे होटल भी मिला, ये जगह होटल के लिए। तो मुझे थोड़ा सब खर्चा वगैरह करके मेरा जो जमा था उससे मैं वो किया चालू, और उससे मेरा वो सक्सेस हो गया, होटल भी चालू किया तो कस्टमर वगैरह आने लगे। अच्छा, हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि टेस्ट सेम है या टेस्ट बदल गई? सेम टेस्ट रहता है। अच्छा, आपकी 100% क्योंकि मैं अभी आपके होटल में जाना चाहता हूँ, और होटल में ज़्यादा खाना खाऊंगा मैं। ओके सर, चलो लेट्स गो। तो जाते हैं राजू के होटल में जो एयर कंडीशन है। चलिए।
अभी कहाँ से शुरू करूँ? ये पॉम्फ्रेट है और इसे स्टफ किया हुआ है, इसमें चटनी है, हरी चटनी। तो इसे ऐसे खोलते हैं, देखो। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। फिर इसका ब्यूटीफुल फ्लेश ऐसे थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। अब ये जो है, ये ड्राई ड्राई श्रिम्प है, जिसे हम सुकट या जवड़ा कहते हैं। जिसे नजदीक से देखोगे तो छोटे 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 प्रॉन्स श्रिम्प है, जो सुखाए जाते हैं, फिर उनकी ऐसे कश्मीर बनाते हैं। ओह, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, सुकट एंड जवड़ा, ब्यूटीफुल। और इतना सारा यहाँ फिश है, इतना सारा फिश कि पूरा समुंदर टेबल पे आ गया है। चलो और क्या फिश पे, दूसरा फिश। ओके, ये बोम्बिल है, बॉम्बे का सबसे फेमस फिश, बॉम्बे डक। देखिए, इसे डीप फ्राई किया हुआ है। दिस इज नॉट टिपिकली मालवणी, बट इट्स अ डेलिकसी इन दिस रेस्टोरेंट। दीज आर क्रैब लॉलीपॉप्स, दीज आर द लेग्स ऑफ द क्रैब। डिप डिप इन दिस लिटिल चटनी। नाउ व्हाट शुड आई ईट? आई थिंक आई एम गोइंग फॉर द तीसरा। This is tisriya, or what we call clams. For those of you all who don't know what clams are, and I'm sure everybody knows what clams are, these are little shellfish which are very delicious. Shells. सॉरी, लेकिन जब हम हाथों से उंगलियों से खाते हैं, जब तीसरा खाते हैं, तो ऐसे आवाज निकलता ही है, ऐसे आवाज। अब क्या खाए? अब यहाँ वेजिटेरियन खाना है, वो भी बहुत ही अच्छा है। मालवण में वेजिटेरियन खाना भी अच्छा बनता है, लेकिन मेरी नज़र उस खेकड़े की तरफ जा रही है। मालवण इज अ विलेज ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड व्हेन यू स्पीक ऑफ द कोस्ट तो सी फूड तो आता ही है ना, और क्रैब मेरी सबसे बड़ी डेलिकेसी है। मुझे क्रैब पूरा मसाले के साथ स्टफ किया हुआ खाने जा रहा हूँ। और इसके जो क्लॉज होते हैं उनके लिए ऐसे ही खाते हैं। यू सी, ब्यूटीफुल, लवली। वाह, अब क्या खाएं? एक दूसरा फिश है जो बहुत ही फेमस है, उसे कहते हैं मैकरेल या बंगड़ा, एंड इट इज स्टफ्ड विद रेड चिली पाउडर एंड ग्रीन चिलीज एंड इट्स डीप फ्राइड। जस्ट लुक एट इट, इट्स अ डेलिकेसी। फैंटास्टिक,
फैंटास्टिक। अब क्या फ्राइड प्रॉन्स, लवली फ्राइड प्रॉन्स विद ग्रीन चटनी। अरे बाप रे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है, बिल्कुल नहीं, मुझे इतना सारा खाना फिनिश करना है। तब तक आप फिगर आउट कर लीजिएगा कि आपके घर में खाने में क्या है। हाँ, और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सोचते रहिए खाने में क्या है।